हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीतीश कुमार पांडे है। आशा करता हूँ कि आपको इकोनॉमिक्स की प्रीवियस क्लास पसंद आई होगी और आज हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट टू को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट करें, और आप इस चैनल पर दूसरे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं जो कि यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। ये सारे वीडियोस पेड कोर्सेज के पार्ट हैं, लेकिन अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो ये आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो वाइट सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रोथ ऑन डेवलपमेंट पार्ट टू। ये आपका कॉन्टेंट है, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में जो भी पढ़े हैं उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे ताकि इस क्लास से हम लोग थोड़ा थोड़ा उसको कनेक्ट कर सकें। रियल और नॉमिनल जीडीपी के बारे में समझेंगे, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ को हम लोग स्टेजेस में समझेंगे, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बेसिकली बहुत कंफ्यूजन रहता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, तो उसको हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में समझेंगे, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम लोग कैसे मेजर करेंगे वो भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हम लोग को ही पता है कि कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें चार फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। दूसरा आपका टॉपिक था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैंने आपको बताया था कि पैसा जो होता है वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में चेंज होते रहता है और ये एक साइक्लिकल फ्लो है। जैसे कि हमारे हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रोवाइड करते हैं बिजनेस फर्म को ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके, और बिजनेस फर्म हाउसहोल्ड को पे बैक करते हैं मनी के टर्म्स में। जो मनी हाउसहोल्ड को मिलते हैं वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर के फॉर्म में उसको खर्च करते हैं उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज में जो कि बिजनेस फर्म ने प्रोड्यूस किया है। तो इसका मतलब ये है कि हाउसहोल्ड के हाथों में जो पैसा आया वो वापस से बिजनेस फर्म के पास चला गया। तो ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। हम लोग ग्रोथ के मेजरमेंट को देखे थे, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। जीडीपी आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, मतलब जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंट्री में, मतलब एक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम लोग जीडीपी में इंक्लूड करते थे। जीएनपी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही था, लेकिन ये टेरिटरी पे डिपेंड नहीं करता था, मतलब कि हमारे रेसिडेंट्स अगर हमारे देश के बाहर या हमारे देश में ही अगर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते थे तो वो आपका जीएनपी में कैलकुलेट होता था। एनडीपी और एनएनपी के लिए मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी हम लोग ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को निकालते हैं तो वो नेट बन जाता है। तो अगर जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को निकालेंगे तो वो एनडीपी हो जाएगा, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को निकालेंगे तो वो आपका एनएनपी हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ न्यू टॉपिक, रियल वर्सेज नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है कि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग एक साल में प्रोड्यूस करते हैं उसका मॉनेटरी वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं करेंट मार्केट प्राइस पे तो उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। जो भी चेंजेस रियल इकोनॉमी में हम लोग का हो रहा है वो नॉमिनल जीडीपी के अंडर नहीं कैप्चर होता है। रियल जीडीपी जो होता है वो भी आपका मॉनेटरी ही वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज का, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट सेट ऑफ मार्केट प्राइसेस को यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग करेंट मार्केट प्राइस को यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे आपके बेस ईयर को चूज किया जाता है। रियल जीडीपी जब भी कैलकुलेट होगा तो वो फिक्स्ड सेट ऑफ प्राइसेस के बेसिस पे कैलकुलेट होगा, और यहाँ पे जो भी आपका रियल आउटपुट या रियल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी चेंजेस आ रहा है उसको यहाँ पे कैप्चर किया जाता है। इसको हम लोग एक नॉर्मल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। सपोज कीजिए कि इंडिया जो कंट्री है वो केवल बाइक्स प्रोड्यूस करता है, तो अगर 2018 में इंडिया ने 100 बाइक्स प्रोड्यूस किया और हर एक बाइक की कॉस्ट 50,000 रुपीज थी तो इंडिया की जीडीपी हो गई 50,000 × 100, दैट इज इक्वल टू 50 लाख। नॉमिनल जीडीपी अब समझते हैं इसी एग्जांपल के थ्रू। सपोज कीजिए कि इंडिया ने 2019 में 200 बाइक्स प्रोड्यूस किया और हर एक का कॉस्ट 50,000 था, तो इंडिया का जीडीपी कितना हो गया, 200 × 50,000, दैट इज इक्वल्स टू 1 करोड़। तो वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ है नॉमिनल जीडीपी में, इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ बाइक्स प्रोड्यूस किया जा रहा था वो भी इंक्रीज हो रहा है।
रियल जीडीपी में देखिए, अगर सपोज 2019 में इंडिया ने 200 बाइक्स को प्रोड्यूस किया है और हर एक बाइक का दाम अगर 50,000 है, तो इंडिया का जीडीपी तो 1 करोड़ हो गया, जो कि नॉमिनल जीडीपी था। लेकिन हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि रियल जीडीपी में हम लोग बेस ईयर को कंसिडर करते हैं। तो सपोज कीजिए कि बेस ईयर यहाँ पे 2011 है और एक बाइक का कॉस्ट 2011 के समय में 20,000 था, तो इंडिया का जीडीपी बेस ईयर के बेसिस पे 200 × 20,000 आपका 40 लाख हो जाता है। तो इफेक्टिव कितना होगा, 1 करोड़ में से 40 लाख को निकाल दीजिए तो आपका 60 लाख हो जाएगा। आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इंडिया का जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नेचर के बेसिस पे, दूसरा आपका वर्किंग कंडीशन के बेसिस पे, और तीसरा आपका एसेट ओनरशिप के बेसिस पे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नेचर के बेसिस पे जो भी आपका इकोनॉमिक सेक्टर है वो 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, क्वार्टनरी सेक्टर एंड क्यूनरी सेक्टर। वर्किंग कंडीशन के बेसिस पे आपका 2 है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और एसेट ओनरशिप के बेसिस पे आपका 2 है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। इन सभी को हम लोग वन लाइन में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। प्राइमरी सेक्टर में वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी किए जाते हैं जहां पे आपका नेचुरल रिसोर्सेस का डायरेक्टली यूज हो, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। जो भी पीपल प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं उनको हम लोग रेड कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहां पे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, और वो भी उन नेचुरल मटेरियल से जो कि प्राइमरी सेक्टर में आपका प्रोड्यूस हुआ है, जैसे कि वो फैक्ट्रीज जो आपका स्टील, केमिकल, प्लास्टिक ये सब प्रोड्यूस करते हैं, ये सब आपका सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। जो भी पीपल आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज में इंगेज्ड है उनको हम लोग ब्लू कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। टर्शरी सेक्टर आपका वो सेक्टर है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में यूज होता है। मतलब कि ये एक्टिविटी जो होता है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस एटसेट्रा। इस सेक्टर के जॉब्स को हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वार्टनरी एक्टिविटीज। क्वार्टनरी एक्टिविटीज आपका स्पेशलाइज्ड टर्शरी एक्टिविटी होता है, वो भी नॉलेज सेक्टर में, जो कि आपका सेपरेट क्लासिफिकेशन डिमांड करता है। इसका मतलब कि जो भी पर्सनल आपके ऑफिशियल बिल्डिंग में काम करते हो, एलिमेंट्री स्कूल में काम करते हो, यूनिवर्सिटी क्लासरूम में काम करते हो, वो क्वार्टनरी एक्टिविटीज में आपके इंक्लूड होते हैं। लास्ट है आपका क्वीनरी सेक्टर, मतलब कि वो इकोनॉमी जहां पे टॉप लेवल डिसीजंस लिया जाता है। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि जैसे इंडस्ट्री में जो टॉप डिसीजन मेकर्स होते हैं वो इस सेक्टर में इंक्लूड होते हैं, और एजुकेशन सेक्टर में जो टॉप डिसीजन मेकर होते हैं वो इस सेक्टर में इंक्लूड होते हैं, और बहुत सारे अन्य एग्जाम्पल्स भी हैं। ये पांचों सेक्टर जो हैं वो आपके पहले ग्रुप में आते हैं, मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि नेचर के बेसिस पे डिपेंड करते हैं। दूसरा आपका है वर्किंग कंडीशन के बेसिस पे, मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होता है उससे हम लोगों को क्या समझ में आता है कि वो इम्प्लॉयमेंट जो कि आपका फिक्स्ड हो, रेगुलर हो, या इम्प्लॉयज को एक एश्योर्ड वर्क मिले, सोशल सिक्योरिटी मिले। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, और यहाँ पे होम बेस्ड वर्कर को हम लोग इंक्लूड करते हैं, सेल्फ इम्प्लॉयड वर्कर्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं। लास्ट आपका ग्रुप है एसेट के बेसिस पे, मतलब एसेट ओनरशिप के बेसिस पे। तो उसमें हम लोगों ने 2 नाम पढ़ा था, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में क्या हो जाएगा कि वो एसेट जिसको गवर्नमेंट ने ओन किया है तो वो आपके पब्लिक सेक्टर में इंक्लूड होते हैं, और जो भी एसेट प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनी ने ओन किया है उनको हम लोग प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। तो ये जस्ट एक बेसिक सा डिफरेंस है। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इतना में ही सिमट जाता है। नेक्स्ट हम लोग एक कॉम्पिटेटिव एनालिसिस करेंगे। यूपीएससी 2015 में ये एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इम्पोर्ट ऑफ। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ था,
साल्टपीटर, ऑप्शन नंबर बी रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी कोकिंग कोल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको आंसर तो पता चल ही गया होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर से ऑलरेडी वो चीज कलर्ड है। ये क्वेश्चन देने का बस केवल एक ही मीनिंग था कि ये क्वेश्चन बिना नॉलेज के भी हम लोग इसको बना सकते थे अगर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज किया होता। तो ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। 2012 यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट मिलियन ऑफ टन्स ऑफ कोल। तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो इसका जो स्टेटमेंट नंबर 3 था, स्टील कंपनीज नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ कुकिंग कोल विच हैज टू बी इम्पोर्टेड। जस्ट ये जो स्टेटमेंट है उसको 2050 में यूपीएससी ने क्या किया, इसको क्वेश्चन बना दिया। तो जिससे हम लोग को आंसर नंबर सी कुकिंग कोल यहाँ पे मिलता है। तो मेरा ये क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एनालिसिस अभी हम लोगों ने किया, ये देने का सिर्फ इतना ही तात्पर्य था कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंस को समझें और जो भी लेक्चर्स यहाँ पे कराए जा रहे हैं उसको पहले सुने, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें। तो क्या होगा, आपको भी कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और आप अच्छे से एक वेल डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इसमें सबसे पहला है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहां पे प्राइवेट और पब्लिक इंटरप्राइज का मिक्सचर होता है। यहां पे मार्केट में स्टेट इंटरवेंशन भी होता है। जॉन मेनार्ड केनिस जो है वो आपके मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के फाउंडर है। वो बोलते हैं कि अगर एग्रीगेट डिमांड होगा तो वो आपका ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिटरमाइन करेगा, लेकिन अगर इनएडिक्वेट एग्रीगेट डिमांड रहता है तो वो आपका हाई अनएम्प्लॉयमेंट को लीड करेगा, वो भी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए। केनिस ऐसा बोलते हैं कि हमें फिस्कल और मॉनिटरी पॉलिसी को यूज करना चाहिए ताकि इकोनॉमिक रिसेशन या डिप्रेशन को मिटिगेट किया जा सके, उसके एडवर्स इफेक्ट को मिटिगेट किया जा सके, खत्म किया जा सके। नेक्स्ट है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये वो इकोनॉमी होते हैं जहां पे मैक्सिमम रिसोर्स जो होता है वो प्राइवेटली ओन्ड होता है, मतलब प्राइवेट पार्टी ओन करके रखते हैं रिसोर्सेस को, और यहाँ पे सभी लोग अपने वेल्थ के लिए वर्क करते हैं। एडम स्मिथ जो है उनको हम लोग फादर ऑफ कैपिटलिज्म बोलते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि सोसाइटी में वेल्थ प्रमोट करता है और आपके सोसाइटी में डिसिप्लिन और ऑर्डर को भी लाता है। लास्ट है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी आपका वो इकोनॉमी है जहां पे हमारा जो स्टेट होता है वो मैक्सिमम रिसोर्सेस को ओन करके रखता है और यहाँ पे जो वेल्थ होता है वो सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कार्ल मार्क्स ऐसा बोलते हैं कि जो भी वर्किंग क्लास है उनको कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना चाहिए और उसको सोशलिज्म के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए और फिर कम्युनिज्म के साथ। कार्ल मार्क्स के हिसाब से कम्युनिज्म जो होता है वो एक ऐसा सोसाइटी है जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नीड्स के बेसिस पे, ना कि एबिलिटीज के बेसिस पे। मार्क्स जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास को किसी अलग नजरिए से देखते हैं, जैसे कि वो सोचते हैं कि वो लीच लाइक होते हैं और अननेसेसरी होते हैं, मतलब कि एक गुड सोसाइटी के प्रोडक्शन के लिए कैपिटलिस्ट क्लास का कोई नेसेसिटी नहीं है, मतलब कि वो अननेसेसरी है। अब हम लोग ग्रोथ को समझेंगे चार स्टेजेस में। तो सबसे पहला स्टेज जो है उसको पहले हम लोग समझते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से। हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आप लोग भी उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही देखिएगा। सपोज कीजिए कि इंडिया जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी को अडॉप्ट करता है, तो इसका मतलब ये है कि फॉर्म्स और बिजनेस जो होंगे वो खुश हो जाएंगे क्योंकि उनके हाथों में पैसा आएगा और वो इन्वेस्ट करेंगे और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो फॉर्म्स और बिजनेस के हाथों में अगर पैसा आता है तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, इंक्रीज करेंगे अपना प्रोडक्शन, जो अभी आपको हम कुछ देर पहले बताए कि वो अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे और बहुत सारा प्रॉफिट कमाएंगे। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग को उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे इंप्लॉयज भी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि इंप्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो साथ साथ वेज भी इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ को लीड करेगा।
स्टेज वन था ये ग्रोथ का। नेक्स्ट है आपका स्टेज टू। यहां पे सपोज कीजिए कि इंडिया और बहुत ज्यादा, या हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा और इकोनॉमिक ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी को एडॉप्ट कर रहा है, तो फर्म्स और बिजनेस क्या करेंगे, फिर से प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, मतलब कि और ज्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो इनको यहाँ पे बहुत सारी बाधाएं भी झेलनी पड़ सकती हैं, जैसे कि पहले लैंड तो हम लोग को पता है कि थोड़ा सा है, मतलब कि सपोज कीजिए कि थोड़ा सा लैंड है जहां पे फॉर्म्स को प्रोड्यूस करना है। तो अब अगर मान लो सपोज कि और प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हम लोग को और थोड़ा लैंड चाहिए ताकि प्रोडक्शन बेस को हम लोग सेटअप कर सके, हम लोग को और थोड़ा लेबर चाहिए ताकि लोग उसमें जुटे और प्रोडक्ट को डेवलप करें। तो इसका मतलब क्या है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जनरेट करने में थोड़ी कॉन्स्ट्रेंट्स आ सकती हैं, मतलब कि बाधाएं आ सकती हैं। तो वो लोग क्या कहेंगे कि डीरेगुलेशन कीजिए, गवर्नमेंट जो होगा उनके डिमांड को मानेगा लेकिन थोड़ा रिलक्टेंट होके, और ये साइकिल थोड़ा ऐसे ही चलते रहेगा। ये आपका सेकेंड स्टेज था। अब हम लोग जब थर्ड स्टेज में जाएंगे तो उसमें हम लोग को सपोज करना है कि फॉर्म जो है वो अपने कैपेसिटी के बियॉन्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो भी उसका लिमिट था उसके बियॉन्ड वो जा चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो बैंक से जो है वो क्रेडिट एक्सेसिव अमाउंट में ले लेगा, क्योंकि प्रोडक्शन अगर करना है तो पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से मिलेगा, बैंक से मिलेगा। लैंड जो लिया गया है सपोज कीजिए कि वो लो प्राइसेस पे है क्योंकि डीरेगुलेशन हो चुका है, तो इम्प्लॉयज जो भी होंगे वो आपका बार्गेनिंग पावर जो होगा वो उसको लूज कर जाएंगे, और फॉर्म जो है वो इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर देंगे जो कि सोसाइटी के नीड से भी ज्यादा हो जाए। तो ये आपका थर्ड स्टेज है। लास्ट स्टेज आर्टिफिशियल बबल इकोनॉमी हो जाएगा, मतलब कि सप्लाई जो होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा डिमांड के कंपैरिजन में। तो डिमांड तो लो था ही, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। लो सेल्स है तो इसका मतलब प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि अगर डिमांड ही नहीं है तो उस प्रोडक्ट को और हम लोग कितना प्रोड्यूस करेंगे, तो इसका मतलब जो लोग भी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे थे अब उनको हम लोग को नौकरी से हटाना होगा, क्योंकि हम लोग को और ज्यादा प्रोडक्ट को बनाना नहीं है, ऑलरेडी ओवर प्रोडक्शन हो चुका है। तो क्या होगा, बैंक्स जो होंगे वो एनपीए क्राइसिस को सफर कर सकते हैं, तो बबल जो होगा वो ब्रस्ट हो जाएगा और इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या गलतियां हुई, सबसे पहले ये हुई कि यहाँ पे कोई एक बैलेंस्ड पॉलिसी नहीं था। दूसरा, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए था ताकि जो लेबर है या जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको थोड़ा स्किल दिया जाए। ह्यूमन कैपिटल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए था, ह्यूमन कैपिटल एक तरह से एजुकेशन ही हुआ आपका, कि मतलब उसके एजुकेशन और उसके स्किल पे हम लोग ज्यादा वर्क कर रहे हैं। और यहां से सिर्फ एक ही कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन है, इज ओनली अ नेसेसरी कंडीशन, वो एक सफिशियंट कंडीशन नहीं है जो कि आपके किसी भी इंडिविजुअल के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करे या वेलबींग को प्रमोट करे। तो ये यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि ग्रोथ जो है वो एक नेसेसरी कंडीशन है, वो एक सफिशियंट कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ये जो दो कॉन्सेप्ट है बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में समझेंगे, एक डिफरेंस के फॉर्म में समझेंगे। सबसे पहला है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब कि अगर आपके इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के आउटपुट अगर बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। दूसरा, हम लोग जानते हैं कि जो जीडीपी है उसमें हम लोग चार टर्म्स को ऐड करते हैं या चार कॉन्सेप्ट को ऐड करते हैं। सबसे पहला कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, मतलब कि कंज्यूमर कितना खर्च कर रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब कि गवर्नमेंट कितना खर्च कर रहा है। तीसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और चौथा, आपका नेट एक्सपोर्ट, मतलब कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये अगर चारों टर्म्स या चारों कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। अगर इन चारों कंपोनेंट में से कोई भी एक कंपोनेंट में अगर ग्रेजुअल इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेट हो जाएगा। एक बार फिर से समझा रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट होता है, वो आपके आउटपुट पे डिपेंड करता है कि आउटपुट कितना इंक्रीज हो रहा है। और अगर जीडीपी के किसी भी कंपोनेंट में अगर इंक्रीमेंट आता है तो वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेट होता है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो आपका सोसाइटल सिस्टम से डिपेंड करता है, मतलब कि अगर सोसाइटल सिस्टम में
अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या हम बोल सकते हैं कि अगर लोगों का कंडीशन इम्प्रूव हो रहा है उस केस में, इनकम इम्प्रूव हो रहा है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अगर आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब कि सोसाइटी में आपका सब कुछ अच्छा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सब चीज। अगर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में अगर ग्रोथ आ रहा है या जनरल पॉपुलेशन क्वालिटी में भी अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो उसको भी हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेट करेंगे। एक बार फिर से समझा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। अगर आपके सोशल सिस्टम या सोसाइटल सिस्टम में अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम लोग चार सिस्टम से मेजर करेंगे। सबसे पहला है ग्रीन जीडीपी, दूसरा है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, तीसरा है आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, और चौथा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ग्रीन जीडीपी से आप समझ ही गए होंगे कि ये थोड़ा इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा। तो जो भी हम लोग इन्वायरमेंटल डैमेजेस करते हैं या इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन करते हैं, उसका जो भी कॉस्ट होता है, अगर उसको हम लोग जीडीपी से घटा देते हैं, तो उसको हम लोग ग्रीन जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि इनइक्वालिटी को मेजर करता है, और ये थ्री एस्पेक्ट्स को कंसीडर करता है। सबसे पहला आपका हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें आपका ये मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और एडोलेसेंट बर्थ रेट को मेजर करता है। दूसरा है आपका एम्पावरमेंट, मतलब कि कितना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, जॉब्स में कितना पार्टिसिपेशन है, वो इस चीज को मेजर करता है। थर्ड है आपका इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब कि लेबर मार्केट में कितना पार्टिसिपेशन है। ये आपका दो मेजरमेंट हो चुका है, ग्रीन जीडीपी और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा रिचर होता है अगर हम लोग कंपेयर करें जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ से। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है वो मटेरियल वेलबींग को तो इंपॉर्टेंस देता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो बताता है कि हम लोग को कैसे सफिशियंटली इंजॉय करना चाहिए। मतलब कि कम्युनिटी में कैसे हम लोग रहें, कल्चर में कैसे इंजॉय करें, इन्वायरमेंट में एक हार्मनी कैसे बना के रखें, स्पिरिचुअलिटी से कैसे लिंक हो, साइकोलॉजिकल वेलफेयर कैसे हो, ये सब चीज हम लोग ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक आपका स्टैटिस्टिकल टूल है, जिसके हेल्प से हम लोग मेजर करते हैं कि कंट्री का ओवरऑल अचीवमेंट सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस में कितना है। इसमें थ्री इंडिकेटर्स का यूज होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर एजुकेशन, और लास्ट है आपका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये जो चार मेजर थे, इसके हेल्प से हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। लास्ट है आपका जीडीपी वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जीडीपी जो है वो आपके प्रोग्रेस को तो कैलकुलेट करता है, लेकिन वो आपके नॉन इनकम एस्पेक्ट्स को कैलकुलेट नहीं करता है। नॉन इनकम एस्पेक्ट्स मतलब कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो आपको एजुकेशन और हेल्थ को इंक्लूड करता है। जीडीपी जो है वो आपका इनकम इनइक्वालिटी को इग्नोर कर देता है, और जो भी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हमारे कंट्री में उसको भी इग्नोर कर देता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो पीपल और उनके कैपेबिलिटीज पे इम्फेसाइज करता है, ताकि वो एसेस कर सके कि कंट्री का कितना डेवलपमेंट हुआ है। और इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अकेले ही डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का डिसाइड नहीं कर सकता है। हम लोग के पीपल और उसके कैपेबिलिटीज को भी हम लोग को कंसिडर करना चाहिए। थैंक यू। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आई रिक्वेस्ट एवरीवन एक बार फिर से कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।